मुझे पता है कि मेरे चाचा और चाची भी मेरे व्लॉग देखते हैं। मेरे चाचा जो हैं वो बर्जर पेंट में पाकिस्तान में वो करते थे। घर में हम लोगों को जरूरत है पेंट करने की। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऐसे मुल्क में अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। रयान साहब इस चीज का वेट कर रहे हैं और ये मेरा ऑर्डर मिल चुका है। तो स्टूडेंट वीजा होल्डर्स को घर से बाहर निकले और बाहर से घर बस अंदर यहीं के यहीं अपने बरामदे में रहते हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू अर्शद सना व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम लोगों ने सोचा कि यार कुछ ना कुछ डिफरेंट काम किया जाए। घर में हम लोगों को जरूरत है पेंट करने की, बिकॉज एक तो पहली बात है कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन लाइफ इतनी खुद इटसेल्फ बोरिंग होती है। तो आज हमारा प्लान ये है कि अशरफ जा रहे हैं बनिंग्स, बेसिकली बनिंग वेयर हाउस में अशरफ पेंट्स वगैरह लेने जा रहे हैं। पेंट लेंगे क्योंकि घर का पेंट हमें करना है, और अब हम उसके बाद फिर पेंट वगैरह करेंगे ताकि अपने आप को थोड़ा सा एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सके। और बिकॉज आज सैटरडे है तो आज खुला हुआ है, क्योंकि संडे तक यानी कल तक खुला हुआ है और फिर परसों यानी मंडे से फिनिश हो जाएगा, यानी बनिंग्स बंद हो जाएगा बिल्कुल। तो उसकी वजह से फिर काफी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता कोई आइटम अवेलेबल भी ना हो, कलर चूज करने में भी प्रॉब्लम होगी, जो स्पेसिफिक कलर देखना है। तो इसलिए अब अशर फटाफट से जा रहे हैं, सामान लेकर आएंगे और फिर उसके बाद आप लोग को भी साथ दिखाएंगे कि किस तरह की पेंटिंग चल रही है। नॉर्मली पेंट का ये चक्कर होता है कि यहाँ पे जो है वो ठीक ठाक पैसे लग जाते हैं पेंटिंग अगर आप दूसरे से कलर करवाते हैं। मैं और मेरा भाई मिलकर नॉर्मली जब भी रेंट के घर होते थे या कुछ होता था या एंड ऑफ लीज होती थी तो हम लोग खुद ही कलर कर लिया करते थे। बट ये है कि अब वो यहाँ आ नहीं सकता और मैं उसकी हेल्प ले नहीं सकता, बट ये है कि मैं उससे चीजें पूछ लेता हूँ। ये करते हैं कि यहाँ पे बनिंग्स है तो हम ये करते हैं कि अपना जो भी कलर होता है घर का या हमें जो भी करना होता है तो हम वो थोड़ा सा जो पीस होता है उसका कलर का हम वो बनिंग लेके जाते हैं और वहां से वो कलर मैच करवा के वो कलर बनवा के और फिर यहाँ पे अपने घर में आके कर सकते हैं खुद ही, जो हम पाकिस्तान में जो है वो कई हजारों रुपए देके करवाया करते थे या कई चंद सौ रुपए की भी दिहाड़ी होती थी कुछ मजदूरों से बेचारों से, वो काम हम लोग यहाँ पे खुद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तमाम चीजें DIY होती है। DIY का तो आप मतलब आई थिंक समझते ही होगे, डू इट योरसेल्फ। मुझे भी याद नहीं रहा था, अभी सना ने रिमाइंड कराया। अब मैं फटाफट से टाइम वेस्ट किए बगैर मुझे दो काम निपटाने हैं आज। एक तो पहली बात ये कि केमार्ट जाना है क्लिक एंड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अयान जो है वो गाड़ी का इंतजार कर रहा है अपनी काफी टाइम से। और दूसरी बात ये कि बनिंग जाना है क्योंकि तो यहाँ पे ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि पैच निकाल लें दीवार का छोटा सा ताकि व्हाइट कलर हमें अंदाजा हो जाए। अभी छोटे छोटे पीसेस निकाल लिए तो इसको ऐसा ले जाते हैं, काफी होगा आई थिंक, काफी सारी हम लोगों ने पपड़ियां जमा कर ली है। ये जो चीजें निकाल रही हैं अब हम जाएंगे बनिंग में, इसको जो है वो मशीन में डालेंगे और उसके बाद वो बता देंगे कि भाई ये वाला कलर है। तो मैं अब छोटी वाली गाड़ी में जा रहा हूँ क्योंकि बड़ी वाली गाड़ी को मैंने, अगर आप लोग फॉलो नहीं करते तो मैंने पहले भी अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि बड़ी वाली गाड़ी मैं या तो कहीं अच्छी जगह बाहर आने जाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ या फिर उबर वगैरह के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बट अभी दोनों ही काम नहीं हो पा रहे तो मैं छोटी गाड़ी को अपने नॉर्मल डेली लाइफ जो रूटीन होते हैं, आना जाना होता है या फिर कोई चीजें लेने जाना है या कुछ सामान लेने जाना है, कुछ भी लेने जाना है, तो मैं छोटी गाड़ी को ही इस्तेमाल करता हूँ। तो इस छोटी गाड़ी को चलाने के दो फायदे होते हैं। दो फायदे ये होते हैं, एक तो जो है वो पार्किंग हर जगह इजिली मिल जाती है और दूसरी बात ये कि इसका जो फ्यूल है वो भी बहुत कम खाती है, यानी सिर्फ सूंघती है बस। तमाम डाइन इन वगैरह सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, रेस्टोरेंट वगैरह खुले हुए कैफेज, बट ये है कि आपको अलाउ ही नहीं है कि आप जो है वो होटल में डाइन इन कर सकें। इवन बार्बर भी सारे बंद है, मसाज पार्लर भी बंद है, तो मसाज वसाज भी नहीं करवा सकते तुम लोग अगर चाहते हो कि थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करो। केमार्ट वैसे बंद है पब्लिक के लिए, बट ये कि आप लोग क्लिक एंड कलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अपना ऑर्डर पिकअप करने के लिए आया हूँ, अब मैं उनको अपना ऑर्डर नंबर दूंगा, वो जाएगी लड़की और ऑर्डर लेकर आ जाएगी और वो डबल चेक करेगी और फिर मेरी आईडी के साथ फिर मुझे दे देगी वापस। रयान साहब इस चीज का वेट कर रहे हैं और ये मेरा ऑर्डर मिल चुका है। ये देखो ये आई लैशेज एक्सटेंशन वगैरह ये भी सब बंद पड़े हैं, इन सब के बिचारों की जो है वो हुआ है मैं चूने लगे हुए, मगर ये कि इनको एट द सेम टाइम गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है जितना हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की यही एक खास बात होती है, खसूसियत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऐसे मुल्क में अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही होती है। इस दफा जो है वो यहाँ की सिटीज और परमानेंट रेजिडेंस के साथ साथ ये लोग तमाम वीजा होल्डर्स को, स्टूडेंट वीजा होल्डर्स को या टेम्पररी वीजा होल्डर्स को, जिनकी भी जॉब्स चली गई, जिनके आवर्स कट हो गए, तो उनको भी ये काफी पैसे दे रहे हैं पर वीक। तो डिपेंड करता है कि आप लोग कितने आवर्स पर वीक काम करते थे, यानी टेम्पररी थे, परमानेंट थे, क्या थे, आपको कितने आवर्स जो है वो शॉर्ट हुए क्या हुए, उस लिहाज से गवर्नमेंट आपको पे करेगी। तो आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए जो है वो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पे जाके चेक कर सकते हो कि आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्या है अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त हो और फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम में हो।
गाइस तो मैं बनिंग आ गया हूँ और बनिंग में देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या हालात चल रहे हैं, क्या नहीं है। चेक इन वगैरह चल रहा है हर जगह, आपको जहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आपको अपना QR कोड यानी स्कैन करना है, चेक इन करना है। चेक इन का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे उस वक्त थे, तो अगर इन केस कोई आउटब्रेक वगैरह आता है इस सूरत में, या फिर पता चलता है कि उस जगह पे वो बंदा गया था और वहाँ पे वो साइट इफेक्टेड है, तो आपको भी जो है वो आइसोलेट करना होता है अपने आप को 14 दिन के लिए। इसलिए ये चेक इन का सिस्टम होता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में, इंडिया में जो रहने वाले आप लोग हो, ये सब चीजें आप लोग नहीं समझ सकते, बट जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या फिर ऐसी कहीं पे UK में, कनाडा वगैरह में रहते होंगे, वो समझ सकते होंगे ऑब्वियसली चेक इन वगैरह क्या चीजें होती हैं। ये अलग अलग ब्रांड्स के हैं, टॉपमैन, ब्रिटिश पेंट्स। यही बता रहा था अभी, मेरे चाचा जो हैं माशाल्लाह अल्लाह उनको जिंदगी दे, तो जो है वो बर्जर पेंट में पाकिस्तान में वो करते थे और 25-30 साल उन्होंने वहीं पे गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जॉब थी उनकी और बहुत छोटी से स्टार्ट की थी और उसके बाद काफी अच्छी सीनियर पोजीशन पे बाद में रिटायर हुए। बताने का मकसद ये है कि जो है वो काफी उनसे हमें मदद मिल जाती थी पाकिस्तान में, हम जब भी होते थे तो हम उनसे पेंट मंगवा लिया करते थे और बता देते थे कि यार हमारा ये चक्कर है, तो जो है वो जिस तरह का भी पेंट कहते थे वो बेचारे लेकर आ जाते थे और कम प्राइस में। पता है कि मेरे चाचा और चाची भी मेरे व्लॉग देखते हैं मेरे और सना के, तो जो है वो आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम, और वैसे तो आप लोगों से बात हो ही जाती है, तो अपना आप लोग बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिएगा। और हम लोग यहाँ पे काफी अरसे से हैं और आना चाहते हैं, बट ये कि बॉर्डर बंद है क्योंकि तो आ नहीं सकते, आप लोगों को बड़ा मिस करते हैं, मगर इंशाल्लाह जैसे ही ऑस्ट्रेलिया नॉर्मल होगा, बॉर्डर खुलेंगे, तो हम लोग जरूर आएंगे। बर्जर पेंट की बात हो रही थी, ये आ गया चाचा। अगर आप लोग हमारा व्लॉग देख रहे हैं तो यहाँ पे भी बर्जर पेंट मिलता है, आप जैसे कि देख सकते हैं काफी महंगा मिल रहा है यहाँ पे, तो काश के चाचा होते मेरे यहाँ पे तो जो है वो डिस्काउंट करवा देते किसी तरह कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। तो ये है पेंट शॉप, मैं यहाँ पे अपना पेंट दूंगा और फिर ये लोग उसको मिक्स करके देखेंगे कि भाई अब क्या ये मंजन बनाते हैं उसका। चेक किया अभी कलर मैच कराने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अभी मशीन हमारी जो है वो काम नहीं कर रही है, या फिर खराब है, या फिर वल्ला आलम उन्होंने कोविड की वजह से बंद की, ये नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि अब आप बुकलेट ले लो और बुकलेट में यानी मैच कर लो कि जो परफेक्ट मैच होता है ऑलमोस्ट उस टाइप का ही, तो आप उसके बाद फिर वो बुकलेट लेकर आ जाओ, नंबर लेकर आ जाओ, फिर हम आपको जो है वो कलर मैच करके वो वाला कलर दे देंगे। लेट्स सी हाउ इट गोस, किस तरह रहता है क्या रहता है, क्योंकि मुझे सेम वही कलर चाहिए जो मेरे घर पे हुआ है, ताकि मैं वही कर सकूं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। कोविड है भाई, कोविड में तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल हैं अब इस लाइफ का पार्ट। और हाँ, ये भी आप लोगों को बताता हूँ कि ये पेंट का सामान मैंने कितने में लिया बनिंग से, ताकि अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में हो और बनिंग आपके आसपास है और आप लोग अपने घर में पेंट करना चाहते हो, तो आप लोग कितने का पेंट कर सकते हो। इसलिए बोलता हूँ शरसना व्लॉग को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो है वो आप लोग भी अपने पैसे बचा सको और देख सको कि DIY कैसे किया जाता है और क्या क्या हैक्स होती हैं जिसके जरिए से आप अपने पैसे बचा सकते हो और कम पैसों में वही काम कर सकते हो जो लोग ज्यादा पैसे खर्च करके करते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। थैंक यू। और ये भी है, जैसे कि आपको ये एक चाहिए हो सकती है मुझे, और एक ये चाहिए हो सकती है। इसके अंदर दो रोलर हैं, एक ट्रे है, और ये है 1694 की, ऑलमोस्ट $17। रखा हुआ था क्योंकि जो है वो चश्मे की वजह से जो है धुआं आने लगता है सामने और अच्छा नहीं लगता। तो उसने बोला है कि टॉपमेंस का जो ब्रांड है वो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन होगा और ये लोशीन है, यानी इजी कोट के अंदर लोशीन देख लो जाके, तो आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे उन्होंने सब कुछ लगाए हुए होते हैं बोर्ड वगैरह के, आपको कौन सी चीज कहाँ से मिलेगी, ताकि आपको ईजी हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। गार्डन वगैरह का एक्सेसरीज, क्लीनिंग का सेक्शन है, अगर सना होती तो बोलती ये भी दिलवा दें, वो भी दिलवा दें, मुझे ये भी जरूरत है, मुझे ये भी एसेंशियल है मेरे लिए, ये भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए। लाइटिंग का सेक्शन है, आई मीन बल्ब वगैरह, ये वो जो चीजें होती हैं, ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह, अंदर के जो इंटीरियर लाइट्स होती हैं, सॉफ्ट लाइट्स, LED लाइट्स। कुछ लोग सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सीलिंग फैन नहीं होते, देख लो यहाँ के छत के पंखे भी रखे हैं। ये पाकिस्तान में ट्यूबलाइट आती थी, याद है? No looking back, extension wires, you name it, यहाँ दुनिया की हर चीज मिलती है आपको बनी। ये गार्डन की लाइट्स होती हैं, बबल रैप, कार्टन्स, स्प्रिंग पेंट जो है ये सबसे सस्ता पेंट है और वैसे नॉर्मली जो है वो $40-$50 के लगे हुए, तो अब ये मैं लेके देखता हूँ कि इसका तजुर्बा कैसा रहता है।
और ये $24 का पेंट है। तो अब मैं जाके चेक करता हूँ कि इसमें हम अपना जो मेरी घर का कलर है यानी कमरों का, रूम्स का, तो वो हम इसमें मैच करा सकते हैं या नहीं करा सकते, इसमें कोई ऑप्शन ऐसा होता है या नहीं होता, या फिर हमें वही स्पेसिफिक ब्रांड का कलर लेना है। इस मशीन में जाते हैं और इस मशीन में जो है वो कलर मिक्सिंग होती है और फिर वो उस कलर को उससे काफ़ी हद तक जो है वो मैच कर लेते हैं। वो कलर मैच हो रहा है, मिक्स हो रहा है। ऐसी सहूलतें पाकिस्तान में भी हो तो बताना, या इंडिया में या जहाँ पे भी आप लोग रहते हो। ऑस्ट्रेलिया में तो ये तमाम चीज़ें आराम से अवेलेबल होती हैं। कोई सा भी आप कलर वाइट ले लो और वाइट में जो है वो मिक्स करके आपको दे देते हैं। डन। यप, थैंक यू। मैंने कलर तो मैच करा लिया है, ले भी लिया है और अब जाके घर में ट्राई करके देखेंगे। अब मैं ये ले लेता हूँ फटाफट से जो मुझे चीज़ें लेनी थी एक्स्ट्रा। सो ये है जी रेगमाल, जिसको कहते हैं सेंडिंग शीट इंग्लिश के अंदर। ये $1 से लेके $2 तक, $2-3, इट्स अप टू यू कि हमें कितनी हार्ड चीज़ चाहिए। और ये फिलर भी रखे हुए हैं तरह तरह के, जिसको हम लोग जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते थे। तो मेरे हाथ में ये सामान देख के आप लोग समझ ही गए होंगे मेरा प्रीटी मच काम डन हो चुका है। अब मैं घर के लिए निकल रहा हूँ क्योंकि बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे, स्पेशली आयान बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा होगा, सैफ भी, और पेंट वगैरह भी ले लिया है। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि भाई कैसा तजुर्बा रहता है फर्स्ट टाइम। और अब अच्छे बच्चों की तरह जाके लाइन में लग जाऊंगा, देख ही रहे हो लाइन। और कोशिश करो जब भी बनी ना हो तो मेक श्योर ये करो कि रसीद हमेशा लो, ताकि अगर इन केस आपको कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपके काम की नहीं होती और आपको रिटर्न करनी पड़ती है तो आराम से रिटर्न हो जाती है, मगर उसके लिए रिसीप्ट लाजमी होती है। दूसरी बात ये कि रिसीप्ट इसलिए भी लाजमी होती है कि जब आप बाहर निकलते हो, एग्जिट करते हो, तो वो एक बंदा खड़ा हुआ होता है जो आपकी रसीद को स्कैन करता है। तो मेक श्योर करो अगर आपके पास रसीद नहीं है तो दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। एक और भी ऑप्शन होता है कि आप अपनी रसीद जो है वो वाया SMS भी मंगवा सकते हो। ये पहले ऑप्शन मुझे नहीं पता था, बट मैंने अभी अभी ये ऑप्शन देखा है। कुछ लोग फुआड़ होते हैं, वो अपनी रसीदें खो देते हैं, बट ये है कि मैं अपनी रसीदें नहीं खोता, हमेशा संभाल के रखता हूँ। इवन पेट्रोल की हो, कोई ऐसी चीज हो, हमेशा उसको संभाल के रखता हूँ। बट स्पेशली अगर लड़कियां आ रही हैं तो वो भाई लड़कियों से तो आप इजी उम्मीद कर सकते हो कि रसीद खो ही देंगी, वो रसीद उनके पास नहीं होगी जब आप पूछोगे कि भाई रसीद कहाँ है इसकी। या फिर वो ये भी बंडा होता है उसमें, ये भी डबल वो करती है गेमर कि जो है वो रसीद मियाँ को नहीं दिखाती या भाइयों को अब्बा को नहीं दिखाती, क्योंकि उसमें आराम से वो प्ले कर सकती है कि हाँ भाई ये इतने का था, ये उतने का था, ये था वो था। तो एनीवे आज का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये थोड़ी बहुत हमारी एफर्ट पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो जो है वो मोटिवेशन के लिए हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ताकि थोड़ी बहुत हमें जो मोटिवेशन हमारी चली जाती है यूट्यूब पे से वो वापस आ जाए और हम लोग इस तरह के छोटे मोटे अच्छे व्लॉग करते रहे। अल्लाह हाफिज़।